हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ग्राफ थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड जो और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके लिए पहले डिस्कस कर चुका हूं, यानी काफी सारे वीडियो मैं ग्राफ थ्योरी के बना चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप देखिएगा, उनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और साथ में ग्राफ थ्योरी की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट सेपरेटली हम लोगों ने बनाई है तो जाके आप उनको देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो के हमारे प्लेनर ग्राफ के टॉपिक हम चलते हैं। तो हमारी जो थ्योरी के अंदर जो डेफिनेशन है प्लेनर ग्राफ की वो क्या कहती है, जरा उसको देख लेते हैं। सो अ ग्राफ और मल्टी ग्राफ, तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ कहेंगे। तो अ ग्राफ और सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन सो दैट एजेस डू नॉट क्रॉस। तो हमारा एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर जो उसकी एजेस हैं आपस में क्रॉस ना करें, एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, ऐसे ग्राफ को हम लोग जो हैं प्लेनर ग्राफ कहते हैं। अब प्लेनर ग्राफ का जो एग्जांपल है वो भी अभी आपको मैं दूंगा। तो इस प्लेनर ग्राफ के अंदर जो इसका एग्जांपल है वो इस तरह से है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास वर्टेक्स हैं और एजेस हैं, और ये जो एजेस हैं आपस में इस तरह से ड्रॉ की गई हैं कि कोई भी एज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आपस में क्रॉस नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल K4 के अंदर आप देख सकते हो कि ये आपका एक ग्राफ है ना। अब सेम ग्राफ को मैं इस तरह से भी क्रिएट कर सकता हूं, तो उसमें जो एक एज आपस में इंटरसेक्ट आपको लग रहा होगा तो वो जो है एज जो है आपस में क्रॉस नहीं करेगी, यानी डायगोनल जो अगर हम लोग इन दोनों ग्राफ के कनेक्ट करेंगे, यानी अगर मैं AC को और BD को कनेक्ट करूं तो BD को मैं एज इट इज रहने देता हूं, और अगर मैं उस एज को यानी जो हमारी जो AC की जो एज है उसको मैं इस तरह से साइड से ड्रॉ करूं तो ये दोनों ग्राफ सेम है। और इस तरह के ग्राफ को हम लोग जो प्लेनर ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ भी प्लेनर है पर यहां पर आपको लग रहा है कि इसकी जो एजेस हैं आपस में क्रॉस हैं, बट ऐसा नहीं है। तो एक ऐसा ग्राफ जो कि हम लोग जो है एक ही प्लेन के अंदर उसे ड्रॉ कर सके, यानी प्लेनर ग्राफ को हम लोग एक ही प्लेन के अंदर जो है ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग जो है प्लेनर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है मैप की। तो प्लेनर ग्राफ के कॉन्सेप्ट से ही मैप का कॉन्सेप्ट आया है। तो इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग जो है और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर मैं सेम ग्राफ को ड्रॉ करना चाहता हूं एकदम अलग तरीके से तो इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूं। कैसे? इस तरह से। अब यहां पर मैंने AC को कनेक्ट कर दिया आपस में, अब ये जो BD है हमारी वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी, A, B, C और D। तो ये जो है सेम ग्राफ का ये जो है एक और जो है प्लेनर ग्राफ है। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन केवल अलग है बट ये जो है ग्राफ हमारे सेम है। तो ये जिस तरह से मैंने इनके रिप्रेजेंटेशन को चेंज करके एक ग्राफ क्रिएट किया है, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो है मैप कहते हैं। सो अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनाइट प्लेनर ग्राफ इज नोन एज अ मैप। तो ये एक डिफरेंट मैप है, ये एक डिफरेंट मैप है। ठीक है, तो कभी भी किसी ग्राफ को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें कि आपस में एजेस एक दूसरे से क्रॉस ना करें तो ऐसे ग्राफ को हम लोग जो है मैप कहते हैं। सो अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनाइट प्लेनर ग्राफ। तो अब यहां पर एक वर्ड है फाइनाइट प्लेनर ग्राफ, तो फाइनाइट प्लेनर ग्राफ का मतलब ही हो गया। तो पहली बात तो आती है फाइनाइट ग्राफ। तो फाइनाइट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस जो है वो लिमिटेड होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आते हैं वो हमारे फाइनाइट प्लेनर ग्राफ ही होते हैं। ठीक है, तो अ मैप डिवाइड द प्लेन इंटू वेरियस रीजंस। तो जो मैप है इस मैप के अंदर काफी सारे रीजंस हैं। काफी सारे रीजंस क्या हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा फर्स्ट में और सेकंड में कि हमारे नंबर ऑफ रीजंस कितने निकल कर आ रहे हैं, और देन थर्ड में
तो ये तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ रीजंस जो है कैसे हैं, कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैं करके बताता हूं। तो अब यहां पर हमारा पहला वाला जो ग्राफ है इसमें नंबर ऑफ रीजंस कैसे निकालेंगे, तो एक रीजन आ गया आर वन, एक आ गया आर टू, एक आ गया आर थ्री, और एक रीजन होगा आपका अनबाउंडेड वाला। तो ये तो बाउंडेड वाले रीजंस है, यहां पर आपका एक रीजन होगा अनबाउंडेड वाला, तो ये हो जाएगा आपका आर फोर। ठीक है, इसी तरह से आर वन, आर टू, आर थ्री, और यहां पे एक अनबाउंडेड रीजन आर फोर। तो जब भी हम लोग प्लेनर ग्राफ बनाते हैं जितने भी हमारे रीजंस निकल कर आते हैं उसमें से सारे के सारे रीजन बाउंडेड होते हैं, बट केवल एक रीजन जो होता है वो अनबाउंडेड होता है, यानी कुल मिलाकर वो रीजन जो है इनफाइनाइट, जो बाकी का जो स्पेस होता है उसको घेरता है। तो अ मैप डिवाइड द प्लेन इनटू द वेरियस रीजन, तो ये जो मैप है हमारा इसने पूरे ग्राफ को डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर दिया। जैसे इसमें हमारे पास चार रीजन है जिसमें तीन रीजन जो है आपके बाउंडेड है और एक रीजन जो है अनबाउंडेड है। तो अगर मेरे n नंबर ऑफ रीजन आते हैं, अगर मेरे टोटल जो है n नंबर ऑफ रीजन आते हैं, n नंबर ऑफ रीजन आते हैं टोटल में, तो उसमें से n माइनस वन जो होंगे वो बाउंडेड होंगे, वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, और इसमें एक रीजन जो होगा हमारा अनबाउंडेड होगा। कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, इसी तरह से इस ग्राफ के अंदर अगर मैं देखूं अगर, तो कितने रीजन आते हैं, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर और एक आर फाइव। तो यहां पर आपके जो नंबर ऑफ रीजन है वो कितने आ गए, आर फाइव। अब इसी तरह से एक हमारा फॉर्मूला होता है, ऑयलर फॉर्मूला कहते हैं इसको हम लोग। तो अगर वी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस is representing the number of edges and r is representing the number of e representing the number of edges and r is representing the number of reasons, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोग जो है वेरीफाई कर सकते हैं। सो v माइनस ई प्लस आर ऑलवेज गिव मी द टू वैल्यू। कैसे, जरा हम लोग एक एक करके वैल्यू पे इसको लगाते हैं। जैसे फर्स्ट पर हम लोग लगाते हैं, तो फर्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास v की वैल्यू कितनी है। अगर मैं फर्स्ट को देखूं मैं, तो जरा इसको मैं रब कर देता हूं आपके लिए, इतनी है हमारे पास। तो अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में देखें तो नंबर ऑफ v कितने हमारे पास, फोर। e कितने है हमारे पास, e वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो हमारे पास रीजन कितने हैं, हमारे पास रीजंस कितने हैं, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देखते हैं। तो v माइनस ई, तो v माइनस ई प्लस r, तो लगाते हैं वैल्यू। v की वैल्यू फोर है, e की वैल्यू जो है एजेस की वैल्यू सिक्स है, प्लस r एजेस फोर, तो गिव मी द वैल्यू टू। तो ये जो फॉर्मूला है ऑयलर फॉर्मूला, v माइनस ई प्लस r इक्वल्स टू पहले में हमें दे रहा है। देन सेकंड केस के अंदर सेम यही केस आएगा, केवल आपके जो नंबर ऑफ रीजंस की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो यहां पर भी हमें टू मिलेगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां पर लगाऊं तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। यहां पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आएंगे जरा देखते हैं हम लोग। एक, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, फाइव आ गए। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहां पर, नंबर ऑफ एजेस कितनी है जरा देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, और एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, एट, और नंबर ऑफ रीजंस कितने हैं हमारे पास, फाइव। ठीक है, अब अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, v माइनस ई प्लस आर, तो कितना देगा ये, v फाइव एजेस एट प्लस फाइव, गिव मी द वैल्यू टू। तो ये जो फॉर्मूला है ऑयलर का, अगर आपने ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ किया है जिसमें वर्टिसेस, एजेस और रीजंस हैं, तो यहां पर ऑलवेज द प्लेनर ग्राफ, तो ये फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई टू द प्लेनर ग्राफ ओनली, ध्यान रखिएगा। तो ऑयलर फॉर्मूला के लिए हमें, और ऑयलर फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये किसी दूसरे ग्राफ में अप्लाई नहीं होगा, केवल अगर वो ग्राफ प्लेनर है तो ही केवल हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द रीजन। अब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री देखी थी, बट रीजन की, यानी एक पर्टिकुलर रीजन की भी डिग्री होती है। ठीक है, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द रीजन ऑफ अ मैप इज ऑलवेज बी इक्वल टू द
ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। क्या मतलब होता है इसका मतलब, ये आपको मैं बताता हूं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने वर्टेक्स की डिग्री निकाली थी, अगर हम लोग जो है रीजंस की भी डिग्री निकालें, अब रीजंस की डिग्री कैसे हो सकती है, वर्टेक्स में हम लोग क्या करते थे, किसी भी वर्टेक्स पर्टिकुलर वर्टेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसमें कितने सारे एजेस आ रहे हैं या जा रहे हैं उनको काउंट करते थे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, रीजन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं उनको काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग R1 के अंदर देखते हैं। तो R1 के अंदर कितने सारे एजेस हैं, तो एक एज आपका ये आ जाएगा जो A से लेकर E होगा, दूसरा आपका ए बी हो जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन से एज हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर मैं R1 के अंदर देखूं, अगर मैं R1 के अंदर देखूं, आई थिंक यहां पे ड्रॉ करना सही रहेगा। चलिए अगर मैं R1 के अंदर देखूं तो मेरे एजेस कौन कौन से हैं, एक तो ए से ई है, चलिए ए से ई है, दूसरा मेरा ए बी है, तीसरा मेरा बी सी है और फोर्थ मेरा सीई है। ठीक है, तो ये चार एज जो हैं हमारे R1 के अंदर हैं। तो R1 की हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, R1 की डिग्री जो है वो आपकी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, R1 की डिग्री, R1 की डिग्री जो है आपकी 4 हो जाएगी। तो चलिए R2 को भी काउंट करते हैं। R2 में देखें अगर हम लोग, तो R2 के अंदर कौन कौन से एजेस आ रहे हैं, R2 के अंदर एजेस जो आ रहे हैं आपकी ए बी आ रहा है, ए बी, देन बी डी एंड ए डी। तो रीजन R2 की कितनी डिग्री हो जाएगी, R2 की डिग्री 3 हो जाएगी। देन R3, R3 के अंदर देखें अगर आप, R3 के अंदर बी सी, देन बी डी एंड सी डी यह आ जाएगा। तो R3 की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। इसी तरह से सबके डिग्री हम लोग निकाल लेंगे, R4 की रह गई है, R4 को भी निकाल लीजिए, R4 को निकालते हैं, CE, then CD, then DE। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, यहां पर भी जो है ये 3 हो जाएगी R4 की डिग्री। अब लास्ट में हम लोग जो है R5 की डिग्री निकाल लेते हैं। तो R5 की डिग्री कितनी हो जाएगी, R5 में जो है AE, then AD और आखिरी में DE। तो कितनी हो जाएगी R5 की डिग्री, R5 की डिग्री भी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए। R1 के अंदर AB, BC, DE और AD। ठीक है, अब इनको काउंट करके देखते हैं अगर हम लोग, तो अगर आप देखें काउंट करके तो टोटल जो नंबर ऑफ सम है इनका रीजंस का वो कितना हो जाएगा, सम 4 + 3 + 3 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो आपके जो रीजंस की जो डिग्री है वो 16 है और हमारे पास एजेस कितनी है, हमारे पास एजेस जो थी वो थी आपकी 8। तो 8 और टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है आपकी 8 है। तो द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द रीजंस इज ऑलवेज बी ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो ये यहां पर हम लोगों ने देख लिया। ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं और कहीं पर भी आपको इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से करा हुआ वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन को पढ़ा, देन उसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए, देन कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोगों ने इस टॉपिक को समझने में कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके वो मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्राफ थ्योरी के जो और भी वीडियोस हैं उनको देखना आप प्लीज मत भूलिएगा। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।